औरत की कड़वी सच्चाई। नंबर वन, कड़वा सच। जिन घरों में औरतें अपनी मायके के रिमोट से चलती है, वह घर अक्सर बर्बाद हो जाते हैं। नंबर टू, औरतों को रंडी वही मर्द कहते हैं जिनके खुद के ताल्लुक रंडियों से हो, वरना कहने को तुम्हारी बहन भी एक औरत है तो फिर तुम्हारे हिसाब से वह भी तो रंडी हुई क्यों। नंबर थ्री, जीते जी अगर नर्क देखना है तो औरत बनकर देख लो, ना इज्जत ना सम्मान ना प्यार, बस हर वक्त तिरस्कार। नंबर फोर, जीवन साथी महादेव जैसा होना चाहिए जो आपकी अंत तक प्रतीक्षा भी करे, मिलने के बाद अनंत प्रेम भी करे। नंबर फाइव, जिस इंसान के पास कोई अच्छा गुण नहीं होता, वह दूसरों में कमियां निकाल कर और उसकी बुराई कर खुद को महान बनाने की कोशिश करता है, करवा है पर सत्य है। नंबर सिक्स, किसी में इतनी कमियां भी मत निकालिए कि वह आपको अपनी जिंदगी से ही निकाल दे। नंबर सेवन, पैसे वालों की चमचागिरी करती है यह दुनिया साहब, वरना रिश्तेदार तो भिखारी के भी होते हैं। नंबर एट, जीवन में कुछ भी करो बस एक बात याद रखना, अगर सत्य का साथ है तो ईश्वर का साथ है। नंबर नाइन, कितना आसान होता है ना औरत को गाली देना, बिकाऊ कहना, चरित्रहीन कह देना। एक बात समझ नहीं आती, किसी भी औरत को गाली देते समय यह खुद क्यों भूल जाते हो कि एक औरत ने ही आपको जन्म दिया है। नंबर टेन, कड़वा है लेकिन सत्य है, एक स्त्री को इज्जत उसकी सुंदरता के अनुसार दी जाती है और एक पुरुष को उसकी जेब में पैसे के अनुसार, यही हमारे समाज का कड़वा सच है। नंबर 11, आज की कड़वी सच्चाई, लोग केवल पैसे वालों को ही महत्व देते हैं, चाहे सामने वाले व्यक्ति का चरित्र, इरादा या आदतें कैसी भी क्यों ना हो। नंबर 12, अपने बुरे वक्त का शुक्रिया अदा कीजिए, क्योंकि उसी ने आपको मजबूत बनाया है। नंबर 13, पत्नी सही होकर भी अक्सर अपने पति का थप्पड़ सहन कर लेती है, लेकिन एक पति गलत होकर भी कभी अपनी पत्नी की ऊंची आवाज बर्दाश्त नहीं कर पाता है। नंबर 14, जिंदगी की रफ्तार भी गजब है, यह रुकती नहीं है किसी के लिए, पर अगर रुक जाए तो उसका सब कुछ छीन लेती है। नंबर 15, एक कहावत है कि मेढक को चाहे सोने की ईंट पर बैठा दो, लेकिन वह छलांग गंदे नाले में ही लगाएगा। ठीक ऐसे ही कुछ लोग होते हैं इस दुनिया में। नंबर 16, एक मर्द बहुत आसानी से कह देता है पत्नी तो दूसरी या तीसरी भी आ जाएगी, लेकिन क्या कभी आपने पत्नी के मुंह से ऐसा कुछ सुना है? नहीं, क्योंकि वह तो सिर्फ इस दुनिया में आपकी और सिर्फ आपकी सुहागन बनके ही रहना चाहती है। नंबर 17, घर में संतान हो तो बधाई माता पिता दोनों को दी जाती है, वही अगर संतान ना हो तो बांझ का दोष सिर्फ औरतों के सर मर दिया जाता है, कड़वा है मगर सत्य है। नंबर 18, जो इंसान वक्त से ज्यादा आपसे कुछ ना मांगे तो समझ जाना उससे ज्यादा मोहब्बत आपको कोई नहीं कर सकता। नंबर 19, मुंह पर कड़वा बोलने वाले लोग कभी धोखा नहीं देते, डरना तो मीठा बोलने वालों से चाहिए जो दिल में नफरत पालते हैं और वक्त के साथ बदल जाते हैं। नंबर 20, कड़वा सत्य, इंसान मरने से कम बदनाम होने से ज्यादा डरता है। नंबर 21, अगर लड़की बनकर दुनिया में आओगे तो आंसू के सिवा कुछ नहीं पाओगे, और अगर लड़का बनकर दुनिया में आओगे तो चाह कर भी रो नहीं पाओगे, कड़वा है लेकिन सत्य है। नंबर 22, पिता के कपड़े फट गए लड़की को नए कपड़े पहनाने में, और लड़की के कपड़े फट गए इंस्टाग्राम पर फॉलोअर बढ़ाने में, कड़वा है लेकिन सत्य है।
नंबर 23 कड़वा सत्य। पुराने लोग भावुक थे तब वह संबंध संभालते थे, बाद में लोग प्रैक्टिकल हो गए तब वह संबंध का फायदा उठाने लगे। अब तो लोग प्रोफेशनल हो गए हैं, फायदा अगर है तो ही संबंध बनाते हैं। नंबर 24 भूखे मर जाना, लेकिन अपने बच्चों के लिए भाई के साथ धोखा करके उसकी संपत्ति मत हड़प लेना, वरना परिणाम इस जन्म में तो क्या अगले जन्म तक भुगतान को तैयार रहना, यही जीवन का अटल सत्य है। नंबर 25 पति सभी को समझता है सिर्फ अपनी पत्नी को नहीं, पति सबकी सुनता है सिर्फ अपनी पत्नी की नहीं, पति बाकी लोगों के दुख में दुखी हो जाता है और अपनी पत्नी के दुख परेशानी को नाटक समझता है। आधे से ज्यादा महिलाएं जिंदगी जी नहीं रही है बल्कि जिंदगी काट रही है, कड़वा है लेकिन सच है। नंबर 26 कोई किसी का नहीं होता है इस दौर में, मैंने पैसों से रिश्ते को बनते देखा है। नंबर 27 जैसे जैसे कलयुग आएगा इंसान मतलबी होता जाएगा, जरूरत के समय आपके पैर पकड़ेगा और जरूरत नहीं रहेगी तो पहचानेगा भी नहीं, यही सत्य है। नंबर 29 जब माँ छोड़कर जाती है तब दुनिया में कोई दुआ देने वाला नहीं होता, और जब पिता छोड़कर जाता है तब कोई हौसला देने वाला नहीं होता। कुछ लोग वीडियो को इग्नोर कर देते हैं और अपने जीवन से जुड़ी बेहतरीन जानकारियां छोड़ देते हैं। आपसे मेरी प्रार्थना है मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए चैनल को लाइक शेयर जरूर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे कशिश रियल वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।